हम रोटी खा रहे हैं। हाय, ये टाइम नहीं आई इधर। उसको कौन दानी आएगा फाली चीज़ अच्छा काम। हाँ, तो पता लगा। क्या कौन सा देता है? ओह, इतना की है ना? ये है हमारी डेस्टिनेशन टॉप पर। आज सुबह के बज रहे हैं 5:30। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ अपने घर। वैसे मैं परसों की आ चुकी हूँ, लेकिन परसों तो सफ़र करने में ही निकल गया था दिन, और कल के दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, घर में बहुत काम था, तो फिर मैं कल व्लॉग नहीं बना पाई और आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। और अभी बज रहे हैं 7:00 इस टाइम, और मैं सुबह सुबह रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे होंगे, वैसे टाइटल देख के तो पता लग ही जाता है बाद में। तो हम जा रहे हैं आज पीरी, और लास्ट ईयर मैंने व्लॉग बनाया था पीरी का, जो कि हमारे गांव का फेमस मेला होता है डखरेन। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था, वही फंक्शन अब फिर से स्टार्ट हो चुका है कुछ भी। तो गाइस, आज से हमारा डखरेन मेला स्टार्ट है गाइस, तो इसीलिए आज हम सुबह सुबह तैयार होके अब जा रहे हैं पीरी के लिए। तो घर से हम सभी जा रहे हैं, पूरा परिवार जा रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है, पापा, मम्मी, दीदी, मैं, भाई, हम पांचों परिवार जा रहे हैं। और मैं जब पीछे घर आई थी, मैं जनवरी में घर आई थी, उस टाइम भी मैंने व्लॉग बनाया था कि मैं दादी के नाम का दिया जलाने आई हूँ, और मैंने ये भी। तो गाइस, अभी हम हो चुके हैं रेडी, पीछे दी है अपना बैग पैक कर रहे हैं, और मैं भी तैयार हो चुकी हूँ अभी। और अब हमने निकलना ही है 10-15 मिनट। ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, बाकी सभी तैयार हो रहे हैं, कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं नीचे। तो मैं भी अपना बैग तैयार कर लेती हूँ और निकलते हैं। बाकी जो भी होता है, जैसा भी है, मैं आप लोगों को रास्ते में बताती रहूँगी। गाइस, बने रहिएगा मेरे इस ब्लॉग के साथ। और ये रोहित भी तैयार हो चुका है। रोहित, ठीक है, पीरी मिलेंगे। वहाँ सुंदर आ रहा है। आ जा रे, हम फोटोज लेंगे अब। और अब हम लोग चल पड़े हैं, टाइम भी 7 से ऊपर हो चुका है। और ये रहा मेरा बैग, ये बैग उठा के मुझे पूरा पीरी पहुँचना है। और इसमें सिर्फ मेरे कपड़े हैं, दोड़ी है, शॉल है। हाँ जी बोलो। नहीं, मैं बोल रही हूँ क्या वीडियो रिकॉर्ड कर दी है? नहीं आया रोलिंग वीडियोस बोरे। अरे रे, हाय, इतना भारी बैग। ऊपर से भर के लाए आप घर से ही? यहाँ तक जाने का इस समय क्या लाया? टॉप तक जॉनी, ऐसे जल्दी आ जाओगे? यहाँ तक हम लोग गाड़ी में है, और यहाँ से अब हम पैदल जा रहे हैं। और आप लोग को बता देती हूँ टाइम, अभी टाइम 7:46 हुआ है। देखते ऊपर तक हम कब पहुँचते। मैं तो अभी से थक गई, और मेरा बैग भी अब मेरे को भारी भारी लग रहा है। वीडियो से एलर्जी हो गया हमारे को। एलर्जी। हमारे नन्हे और मम्मी पीछे से आ रहे हैं। बड़ा चलेगा। अरे मत मांगो इसे, क्या मांगो। गाइस, अभी हम लोग पहुंच के आधे रास्ते से, आधे रास्ते मतलब 10% हमने चल लिया है, अभी तो हमारा 90% है चलने का। चलो चलो चलो, और हम लोग थक गए अभी से। ये थके, ये तुम ये दो थके, हम नहीं थके। दीदी हम थक गए, मेरे पैर बन हो रही है। आगे छोड़ो, ऐसा लग रहा है इनके गर्दन में जाएंगे थोड़ी देर में हम लोग। छोड़ो, अब तो पत्थर मारूंगी। यार ये भूल गई, अभी भी मैंने नहीं बांधना था। और मम्मी वाले तो भी बहुत पीछे दिखाती हूँ। दीदी हो तो ऐसे, ये बहुत नीचे खुल गया था पता है, बट मेरे को झुकने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मेरा पैर कंपन हो रहा है। बाय,
बाकी मम्मी दीदी चाची सब यहाँ पे बड़े आराम से आ रहे। हाँ ठीक है, बाकी हमारा गांव वहाँ रह चुका है। बाकी वो रिकोंगपियो, ये रिकोंगपियो दिख रहा है। बाकी व्यू की बात करें तो अति सुंदर, अति से भी अति सुंदर। पहुँचना है हमें स्टॉप में धुंध के पीछे, और अति सुंदर है सच। और सच बताओ अभी इतना अच्छा मौसम हुआ है ना, धूप नहीं लगी है, बादल छाए, और चलने के लिए तो ऐसे ही मौसम चाहिए होता है ताकि हमें गर्मी ना लगे। धूप में तो चलना मुश्किल हो जाता है। मैं चाहती हूँ हम ऊपर पहुँचते तक धूप ही ना लगे, उसके बाद लगने लगे जो होना है हो, लेकिन ऊपर तक ऐसे ही मौसम बना रहेगा तो अच्छा है। अब तो मेरे कान भी बंद हो रहे गाइस, मिलते अब थोड़ी देर में रास्ते में। अभी तो हाँ अभी तो हम थोड़ा ही चले यार, 10% ही चले होंगे यहाँ से ऊपर तक बस, अभी बहुत दूर है चलने का। और हम लोग अभी पानी पानी के पास पहुँचे, यहाँ पे हमें पानी मिला और मम्मी मेरे ने हमें पकड़ लिया है। क्या बैंक का लाल लग रहा हो ना, मेरे को भी दिखा भी नहीं। चाची क्या खा रहे, ठीक ठीक मुंह में भर दिया। चाची सर पहले हो गया वो हाय आपका, अब करो। और अभी हम लोग आधे रास्ते पहुंच चुके हैं गाइस, और इतने ज्यादा थक चुके हैं। सबसे अच्छी बात है अभी तक धूप नहीं लगी, बादल ये बादल है, मौसम खराब है आज। और यहाँ से अभी मैं दिखाती हूँ क्या क्या दिख रहा है। आगे का व्यू कुछ इस तरह, वो रिकोंगपियो दिख रहा है यहाँ से। अभी हमारा पंगी तो नहीं दिख रहा, बाकी आधे लोग उधर है, बाकी मम्मी नने भाई उधर है, और दीदी हमारे सबसे आगे आगे चलते जा रहे हैं। लेती हूँ आप लोग को दिखाती हूँ मैं, आधे लोग ना इससे भी ऊपर पहुँच चुके हैं, लगता है वो सुबह 5-6 बजे के निकले होंगे। और अभी हम लोग बड़े आराम आराम से चल रहे हैं, और ये हमारी दीदी सुंदर सुंदर फूलों को उठाते हुए एकत्रित। वाह बहुत ज्यादा सुंदर है फूल, मेरी फोटो लेना है प्लीज। मैं तो परसों जाने का सोच तो गए, हम वहाँ से लेकर यहाँ पहुँच गए हैं। और अभी हम ये खा रहे हैं, इसमें काली मिर्च और गुड़ को पीस के पीसा है, काली मिर्च पीसी है ना, गुड़ में मिक्स किया है। हाँ इसको खाने से थकेंगे नहीं, हमारे को एनर्जी मिलेगी। ये है पुराने जमाने के नुस्खे, हमारे बुजुर्ग ऐसा खाया करते थे चलते टाइम। हाँ, और जो रास्ते में इतने सारे हमें घास वगैरह जड़ी बूटी मिल रही है तो उसकी गैस लगती है, जिससे हमारे को सर दर्द हो सकती है। लास्ट ईयर मुझे हुई थी बहुत ज्यादा, तो इससे नहीं होगी। प्यास लगती है, जितना स्वेटिंग होता है ना उतना ज्यादा पानी पीना पड़ता है घर के पास। दीदी बस ये हमें बाद में कुछ नहीं होता बाद में। तो दोस्तों हम लोग आधे से ज्यादा पहुंच चुके हैं, अब हमें यहाँ ऊपर तक पहुंचना है जहाँ पत्थर जैसे दिख रहे पहाड़ जैसे स्टार्ट हो रही है वहाँ तक। यही ऊपर नहीं बहन, बहुत ऊपर है वो। नहीं हाँ, तो उसके बाद तो सीधा सीधा है। बाकी यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग भी मिले, हमने बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया, हमारी स्पीड ही इतनी ज्यादा है। चलो मिलते हैं ऊपर, ऐसे बोल बोल क्या बोल, अब मिलते हैं उस पहाड़ के पास। तो वैसे वो कितना ऐसा लग रहा है, अब पास ही है, थोड़ा ही चलने का है, बाकी लोग नीचे आ रहे हैं। और मैं तो बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मेरे पैर अब चल नहीं रहे, खुद ही चल रहे।
हमने लगभग सारा रास्ता कंप्लीट कर लिया है। ये हमारे तो गांव दिख भी नहीं रहा, इतने ऊपर आ गए हम। और अब हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। ये है हमारी बेटी, जवान बेटी, और ये हमारी थोड़ी सी पब्लिक। और ये हम जब हम खाना नहीं करते तब बनाते हैं हम लोग ऐसे ऐसे, कोई नहीं तो नीचे कौन बनाएगा? मेरे को तो कुटंग नहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है आप लोग को? कुटंग नहीं दिख रहा, गुरु मन पर रहे थे लोगों ने। जो पत्थर रखे इकट्ठे इसको बोलते है? अच्छा, इसको कोटंग बोलते हैं। बाकी अब हम लोग आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके हैं और सभी आ चुके हैं मैक्सिमम। कुछ 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 चाचू वगैरह मतलब थोड़े से लोग पीछे रह चुके हैं, अभी उनका हम वेट कर रहे हैं और यहाँ पे रेस्ट भी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट समझ सकते हो खाना खाएंगे, सब्जी चपाती वगैरह खाएंगे जो हम घर से पैक करके लाए हैं, क्योंकि इतना चल चुके हैं हम लोग, 4-5 घंटे तो हम लोग चल ही चुके हैं, तो भूख भी लग रही है, तो हम सब खाएंगे बैठ के। और बाकी आगे मिलते हैं। और यहाँ हमारी बहुत सारी पब्लिक बैठी है, सब अब कुछ खाने पीने के लिए रुके हैं, जिसको हमारे लैंग्वेज में गोली में बोलते हैं शील। हाँ जी ठीक है। और अब हम लोग जा रहे हैं आगे, और यहाँ से आगे है हमारा रास्ता कुछ इस तरह से सीधा सीधा, और कुछ इस तरह का व्यू नीचे की तरफ। और इस रास्ते में ना अगर मैं फोन देखती रही तो मैं फिसल के गिर भी सकती हूँ, तो उसके बाद तो मैं सीधा नीचे ही मिलूँगी। तो मम्मी भी मुझे यही कह रही कि फोन नीचे रखो गिर जाओगे। तो मैं आगे तक आपको दिखाती हूँ कैसा कैसा है रास्ता। वैसे थक ही रही थी अब मैं बहुत ज़्यादा, शुक्र से अब हमारा जो चढ़ाई वाला रास्ता तो ख़त्म हो चुका है, अब कुछ इस तरीके का रास्ता है। उतना अच्छा तो नहीं है बट फिर भी चलने लायक तो है। उधर से अरे चाची और मम्मी आ रहे। और यहाँ आगे हम लोग थोड़ा सा जाएंगे फिर हम रुकेंगे, हमने अभी तक खाना ही नहीं खाया, वहाँ जाएंगे वहाँ पे हम लोग खाना खाएंगे, फिर उसके बाद हम और चलेंगे। उसके बाद शायद 30-40 मिनट का ही रास्ता रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं है, फिर हम पहुँच जाएंगे पीरी। और गाइस मैं आपको बता देती हूँ, हम दखरेन हर साल बनाते हैं और हम हर साल पीरी आते क्योंकि जो हमारे हमारे बीच नहीं रहे हैं, मतलब जिनकी भी डेथ हो जाती है, जैसे हमारी दादी है, तो हम उनकी याद में पीरी जाते हैं। वहाँ पे हम उनके नाम से पूजा करते हैं, उनके नाम का झंडा लगाते हैं वहाँ पे, और पीरी को वहाँ पे पवित्र स्थान माना जाता है। और पीरी के दिन मतलब कल सुबह जो जब हम झंडा लगाएंगे उस दिन, उस टाइम हम उनसे आखिरी बार मिलते हैं, मतलब वो हमारे से आखिरी बार मिलने आते हैं, ऐसा माना जाता है। बाकी जो भी रहेगा मैं आपको आगे बताती हूँ। तो गाइस अब बस हम पहुंचने ही वाले, और हमने रास्ते में कुछ भी नहीं खाया, वो ना पानी थोड़ा
कम पड़ गया था, क्योंकि अगर हम कुछ खाते तो पानी की ज़रूरत और ज़्यादा पड़ती है हमें, तो पानी बहुत कम था। और इतने दूर से चल के आ रहे तो रास्ते में एक जगह ही हमें स्टार्टिंग में ही पानी मिल गया था, उसके बाद हमें रास्ते में कहीं भी पानी नहीं मिला। तो हम वहाँ से पानी भर के जो लाए थे वो हम रास्ते में पीते पीते आए, और पानी बहुत कम था इसलिए कुछ नहीं खाया। अब हम सोच रहे हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच के ही कुछ खाएंगे, वहाँ हमें पानी भी मिल जाएगा और हम वहाँ पे आराम से बैठ के खा भी लेंगे। और गाइस सच बताऊँ तो सफ़र में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि पूरे रास्ते में धूप नहीं मिली, और जब हम सीधे रास्ते में पहुंच चुके तब अभी धूप निकल रही हो भी हल्की हल्की, लेकिन जब हम चढ़ाई चल रहे थे तब हमें थोड़ी भी धूप नहीं पड़ी, तो ये बहुत अच्छी बात है। और रास्ता कुछ इस तरीके से है, बहुत ही डरावना, और मैं आप लोग को यहाँ से दिखा देती हूँ, ये रही हमारी डेस्टिनेशन पार। यहाँ से आगे अब हमें थोड़ा ही चलना है, वो भी ऐसे ही है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, टेढ़ा टेढ़ा ऐसा रास्ता है, और इसमें शायद हम थकेंगे नहीं। और आगे हमारे चले हैं दी भाभी, बाकी मम्मी पापा चाचू वगैरह तो पीछे ही है, और ये हमारे दाऊद से हमारी दीदी, और ये हमारा पंगी, हाँ दिख रहा है, ये हमारा गांव, प्यारा सा गांव, पंगी और वो आगे पियो, दुन्नी, कल्पा, हर एक चीज़ दिख रही है, पुहारी दिख रहा है, तंगलिंग, पार बारंग, नीचे पुरवानी, मेरे गांव के आसपास भी जितने गांव है सभी दिख रहे हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। कैमरे में आप लोग को पता है उतने अच्छे से नहीं दिख पाता है, जितना भी कोशिश है मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, तो मेरी वीडियो बनाने लगे ओके ठीक है, तो आगे चलती क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है, आप लोग देख सकते हैं, अगर नीचे गिरे तो सीधे नीचे, और तो मैं आप लोग को अब आगे जाके ही मिलूंगी, और यहाँ से ऊपर कुछ इस तरीके से भी है। इस बार तो पानी की खुशी साला है, याद आता नहीं, चाचू के हो गए हाल मड़े, दे तो जाऊंगी ना अभी ले लूं साथ में, मेरे को पोले नहीं देना है ना, क्यों आप तो पोला पसंद करते हैं, लीजिए जब आपके पास बनोया खाना वापस करना, पोले खाना बंद हो गया है, हो गया है बैसा नहीं, तू तो आज ऐसे दूं तो हम लोग पहुंच गए फाइनली। अब अभी हमने खाना खाया, वो लंच ही हुआ हमारा, लंच हो गया, और अभी टाइम की बात करें तो 2 बजे, और मौसम भी ख़राब है, और अब तो ठंड ठंड सी हो रही है, हवा चल रही है यहाँ पर ठंडी ठंडी। अब वहाँ जाएंगे हम, थोड़ा सा बैठेंगे, उसके बाद हम लोग डोली पहनेंगे, बाकी आगे जो भी होता है मैं बताती हूँ। तो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे रहने के लिए भी बनाया गया, अगर बारिश होती है या कुछ भी होता है रात को शेड आराम भी कर सकते हैं इसमें, बहुत बड़ा है, अंदर से मतलब आ सकते हैं काफ़ी लोग अंदर आराम से। तो ये बाकी बर्तन वगैरह भी हम यहाँ पे पहुँचा दिए हैं, कुछ भैया वगैरह आए थे यहाँ पे, नेपाली भैया वगैरह, उन्होंने यहाँ पे सामान छोड़ दिया, और ये दीदी ऊपर फ़ोटो लेने के लिए खड़े हुए थे लेकिन मैं ले नहीं रही फिलहाल। और इधर साइड का व्यू तो आप लोग को मैं दिखाई चुकी हूँ, और यहाँ पे व्यू की कमी नहीं है गाइस, इधर भी है जो कि काफ़ी सुंदर व्यू है। तो मैं आप लोग को यहाँ से अच्छे से दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, वाओ मैं लास्ट ईयर ये जब आई थी ना उस टाइम भी मैंने यहाँ पे बहुत मज़े किए थे, बहुत अच्छा लगा था, और मैं फिर से आई क्योंकि मुझे आना था फिर से, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, अति सुंदर।